शुक्रवार चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मंत्रिमंडल ने पालिकाओं को हस्तांतरित आवास बोर्ड द्वारा विकसित कॉलोनियों में आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग में अवैध परिवर्तन को नियमित करने की नीति को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि नियमित की जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति को योजना के स्वीकृति लेआउट प्लान के अनुसार इसके मूल आकार से विभाजित ना किया गया हो और संपत्ति के किसी और विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज माने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट की बैठक अभी संपन्न हुई है। आज के हमारे एजेंडा आइटम 16 थी और 4 टेबल एजेंडा आए थे। 4 में से 2 टेबल एजेंडा पे हमको माने मुख्यमंत्री जी की और टीम की सहमति से उनको पास कर दिया है और 16 में से 9 एजेंडा आइटम हमने आज पास कर दिए। ये रिमिशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी, पिछले दिनों हमारे कैबिनेट के अंदर एक एजेंडे के अंदर 2000 रुपये स्टैंप ड्यूटी लगाने की कोई बात हुई थी, परंतु आज कैबिनेट ने HWDC, HSC, FDC, NLUM, PMAY, EWS, अर्बन पुअर पर्सन एंड प्रोवाइड्स जो कुछ ऐसी हैं इनको बिल्कुल इससे फ्री किया गया है, क्योंकि छोटे छोटे लोन के ऊपर भी 2000 रुपये स्टैंप ड्यूटी आम आदमी के लिए थोड़ा ज़्यादा था और पिछले दिनों ये विधानसभा के अंदर भी विषय आया था और हमारे मंत्रिमंडल के अंदर की इसकी चर्चा थी और हमारे विधायकों ने भी कई बार मुख्यमंत्री से मिलकर और माननीय वित्त मंत्री से मिलकर इसकी बात की थी। आज हमारी कैबिनेट ने उसमें इन लोगों को पूर्णतः छूट देने का फैसला कर लिया। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर टेकिंग लोन अप टू 1,60,000, 1,60,000 तक जो लोन देते हैं उनको बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया। वुमन बेनिफिशियरी स्पॉन्सर्ड टू बैंक बाय द हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HWDC और इसी प्रकार से बेनिफिशियरी ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और चौथा है बिलो पॉवर्टी लाइन्स बेनिफिशियरी फैमिली स्पॉन्सर्ड बाय द हरियाणा शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर लोन ऑफ द बैंक्स। ये 4 कैटेगरी को बिल्कुल एग्जेम्प्ट किया। इस नीति से लंबे समय से लंबित मुकदमेबाजी का निपटारा होगा और जनसंधारण को राहत मिलेगी। इसके अलावा इन अवैध परिवर्तनों को नियमित करने से पालिकाओं को राजस्व भी मिलेगा। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश TV।